नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। प्यार एक ऐसा एहसास है जिसमें दो लोग एक दूसरे को दिलोजान से मोहब्बत करते हैं। इस एहसास में अगर शक नाम की चीज आ जाए तो इसका परिणाम वही होता है जो नुसरत जहां और उनके पति निखिल जैन का हुआ है। दोनों के रिश्तों में अब दरार आ चुकी है। नुसरत जहां की प्रेगनेंसी को लेकर इस पूरे विवाद ने तूल पकड़ा था। अब नुसरत जहां की उसके बेबी बम के साथ तस्वीर सामने आई है। इस पर उनके पति का क्या कहना है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तृणमूल कांग्रेस सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां गर्भपति हैं। उनकी बेबी बम के साथ तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अभिनेत्री के प्रेगनेंसी की खबरों पर मुहर लग गई है। नुसरत को लेकर चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक वे 6 महीने की प्रेग्नेंट है। हालांकि उनके पति निखिल जैन को इस खबर की जानकारी नहीं है। निखिल ने साफ कहा है कि नुसरत 6 महीने से उनसे अलग रह रही है। खुद निखिल ने ये बात कही है कि नुसरत पिछले साल दिसंबर 2020 से उनका घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के साथ रह रही हैं। ऐसे में उन्हें इस आने वाले बच्चे की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है ये बच्चा उनका नहीं है। इस बीच नुसरत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी शादी की सभी फोटोज भी डिलीट कर दी हैं। इससे पहले बुधवार को नुसरत ने बयान दिया था कि साल 2019 में बिजनेसमैन निखिल जैन से तुर्की में हुई उनकी शादी मान्य नहीं है। इस पर निखिल का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि वे लगातार भारत आने के बाद अपनी शादी को रजिस्टर कराने की बात करते रहे हैं, लेकिन नुसरत ने हमेशा से इससे इनकार किया है। निखिल जैन ने कहा कि 8 मार्च 2021 को मुझे मजबूरन उनके खिलाफ अलीपुर के सिविल कोर्ट में हमारी शादी को रद्द करने के लिए केस दाखिल करना पड़ा। निखिल ने आगे कहा कि उनके खाते से जो भी पैसा मेरे खातों में भेजा गया वह उसी की किश्त थी। जैन ने नुसरत के आरोपों को नकारते हुए कहा कि अभी भी बड़ी राशि उन्हें वापस करनी है। उनकी ओर से लगाए गए सभी आरोप अपमानजनक तो है ही, उसके साथ साथ झूठ भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने नुसरत से कई बार अनुरोध किया था कि हमारी शादी का पंजीकरण करा लिया जाए, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शादी के कुछ समय बाद ही नुसरत का रवैया पूरी तरह बदल गया। ऐसा एक फिल्म की शूटिंग के बाद से हुआ। नुसरत जहां और बिजनेसमैन निखिल जैन की शादी साल 2019 की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। दोनों की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। उससे पहले दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। शादी की रस्में तुर्की में हुई, जहां परिवार और दोस्त ही मौजूद रहे। हालांकि पिछले साल से नुसरत का नाम बंगाली अभिनेता और बीजेपी नेता यश दास गुप्ता के साथ जुड़ रहा है। अपनी शादी को लेकर नुसरत जहां ने कहा था कि एक विदेशी भूमिका पर शादी होने के कारण तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार हमारी शादी मान्य नहीं है, क्योंकि ये दो धर्मों के लोगों के बीच हुई शादी थी, इसलिए भारत में इसे वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए तलाक का सवाल ही नहीं उठता। कानूनी तौर पर ये शादी मान्य नहीं है, बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप है। नुसरत की शादी को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। नुसरत ने अपनी शादी को ही अमान्य करार दे दिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि टीएमसी सांसद नुसरत ने अपनी शादी को अमान्य बताया, लेकिन उसकी शादी में ममता बैनर्जी ने भी शिरकत की थी। टीएमसी सांसद के अनुसार अगर शादी का कोई मतलब था ही नहीं तो क्या ममता बैनर्जी एक तमाशे का हिस्सा बनी थी? अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।